चैलेंज, ये मेरी चैनल पे पहली बार होने वाला है। आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स मैगी चैलेंज। आज मैं खाने वाली हूँ पूरा का पूरा दिन सिर्फ मैगी मैगी मैगी। और अभी सुबह का 10:30 बज चुका है, देख सकते हो आप, नहीं देख सकते, ठीक है। मैं अब खाऊंगी मेरी ब्रेकफास्ट, देर से ही खाऊंगी क्योंकि मैं उठी हूँ लेट से। तो ठीक है, मैं मेरी फर्स्ट मील लेकर आती हूँ। ओके, ये देखिए मील ले आ चुकी हूँ। मेरी ब्रेकफास्ट यहाँ पर है, सिंपल मैगी, ठीक है, सूखी मैगी, वो सूप सब सोख चुका है, नॉर्मल मैगी, अभी भी दुबा उठ रहा है, देखो गर्मा गर्म। और यहाँ पर मैंने एक सनी साइड अप एग ले लिया है क्योंकि सिर्फ मैगी खाऊंगी कैसे लगेगा इसलिए, और 24 आवर्स ही है तो इसके साथ खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ 24 आवर्स मैगी। बहुत ही यम्मी है गाइस। मैगी गगड़ी ऐसे रिएक्शन दे रही हूँ कि मैं क्या ना खाने वाली हूँ। पूरा का पूरा दिन आज मैं मैगी खाऊंगी। टिंका 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 टिंका। पहली बार ऐसे चैलेंज कर रही हूँ ना, और हिंदी में मेरी चैनल पे ये दूसरा वाला वीडियो है हिंदी में, इसलिए बहुत डर सी लग रही है। तो ठीक है, मैं ये डर कटाऊंगी, डर उतार के मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। मुझे लाइक चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए। ओके, चलो मैं वही फिनिश करती हूँ, आप लोग देखिए। बहुत ही गर्मी है, फैन ऑफ करके वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो गटर 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 साउंड होती रहते है। और मुझे हिंदी इतना ज्यादा आती नहीं है, ठीक है, कोई भी अगर मैं गलत शब्द बोल देती हूँ तो माइंड मत कीजिए आप लोग, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये तो बोलते ना, क्षमा कर दीजिए, जो भी हो। लंच के पहले मैं ले आ चुकी हूँ मेरी मुकू को आप सबको दिखाने के लिए। देखो वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैंने जब फर्स्ट दिखाया था तो वो बहुत ही छोटी थी। क्या क्या देखो देखो देखो, सबको बहुत गर्मी है इसलिए वो हाँफ रहा है, देखो ठीक से नहीं बैठ रहा है। क्या हुआ क्या हुआ, मैं पंखा चला दूं? देखो गाइस मैं पंखा चला देती हूँ, नहीं वो नहीं रह सकता। देखो हाय बोलो, हाय हाय, देखो मुझे कैसे ये पूरा का पूरा वक्त पकते रहता है, देखो कैसे करके काट रहा है, मुझे तो लग रहा है ना। क्या हुआ क्या हुआ, देखो हर वक्त ऐसे ही काटते रहता है, ये इसका प्यार है, ठीक है, अभी छोटी है ना इसलिए, छोटा है ना इसलिए ऐसे करके ही काटते है हर वक्त। देखो आप सब, जब ये 4 मंथ्स का हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा, छोटी एज में ऐसा ही करता है। अरे सबको देखो, क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते हो तू। तो गाइस वो मुझे काटेगी, उसको मैं
सो जाएंगे और मैं लंच टाइम पे लंच लेकर आती हूँ, ओके? देखो क्या करता है। लंच के लिए मैं बनाऊंगी मैगी एक ऑमलेट। उसके लिए सबसे पहले मुझे नॉर्मल सा मैगी बनाना पड़ेगा। देख सकते हो मैं नॉर्मल सा मैगी बना रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो जो इंग्रेडिएंट्स है, ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटर, ग्रीन चिली, सब चॉप करके रखा हुआ है, वो मैं अंडे के अंदर डालूंगी। मुझे देखना पड़ेगा एक अंडे से होगा या नहीं। फिर मैंने एक अंडे से नहीं हुआ तो मैंने दूसरा अंडा दे दिया उसका अंदर। और थोड़ा सा नमक चाहिए, ये मैं मिक्स कर इस काली सी पैन में फ्राई करूंगी। काली है पैन क्योंकि माँ ने थोड़ी देर पहले इसके अंदर रोटियां बनाया था, इसलिए काली हो चुकी है। आप लोग कुछ माइंड मत कीजिए। अब ये जो फ्राई हो चुका है इसके अंदर ही मैंने उस जो सिंपल से मैगी बनाया वो देकर कोटिंग करूंगी। ये पलट दूंगी, देखो बहुत सारी कैप्सिकम होने की वजह से ये टूट गई। मैं क्या बनाना चाहती थी और क्या होगी। So guys, मैं आ चुकी हूँ मेरी लंच लेकर। देखो ये क्या हो गया है। तो मैंने एक हाथ से वीडियो बनाया था ना और एक हाथ से बना रही थी, इसलिए देखो ये पूरा का पूरा टूट चुका है, बिखरा बिखरा हो गया है। क्या हो गया है, यही खाने वाली हूँ मैं। और क्या करूंगी, मैंने सोचा था मैं ये वाला बनाऊंगी, देख लो आप। और ये हो गया, मैं ये पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है। और आज देख सकते हो आप हालत इसका, किसी ने भी कैमरा नहीं पकड़ा था ना, इसलिए ऐसा हो गया। मैं जब इसे ऐसे कर रही थी तब ये टूट गई, क्योंकि क्या भी और कर सकती हूँ। तो चलो यही खाना पड़ेगा मुझे, खा के देखते हैं कैसा हुआ है टेस्ट, ओके? देखो टेस्ट सुपर है, सुपर। आई एम गुड कुक बट ये पूरा टूट चुका है। ऐसा गुड कुक नहीं होना चाहिए किसी को, प्रॉपर गुड कुक होना चाहिए, क्योंकि वो सर्व भी अच्छी तरह कर पाए, ठीक है? बहुत ही यम्मी, बहुत ही। इसमें मैंने क्या क्या दिया है आप लोग तो देख ही सकते हो। कैप्सिकम है, टमाटर है, ग्रीन चिली है और ऑनियन है, इसलिए इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। तो मेरा लंच का खाना तो बहुत ही जबरदस्त है। तो ये मैं फिनिश कर रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। पानी पानी तो मैं थोड़ा मेरी बहन को देने वाली हूँ। दिख रहा है क्या या नहीं मुझे पता नहीं, उसका वो अभी अभी नहाकर आए ना, इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है। और ये थोड़ा अंडा, बहुत ही टेस्ट हुआ है ना। मैं लंच कर रही हूँ दोपहर के 3 बजे। मैंने बहुत सारा खा लिया है और बहुत ही गर्मी है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा फोन पे वेब सीरीज देखते देखते खाऊंगी। तो अब तक के लिए बाय, और इतना सा ही बाकी है, मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद इवनिंग स्नैक्स लेके, ओके? इवनिंग टाइम पे मैं बनाऊंगी मैगी एक पकोड़े। उसके लिए मैंने नॉर्मल सा मैगी बना लिया था पहले से ही। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज, ग्रीन चिली, थोड़ा सा नमक और एक अंडे और बेसन देकर मिक्स करके ये मैं सिंपल ऑयल में फ्राई करूंगी। लाल लाल हो जाएगा तब मैं इसे एक
प्लेटर में सर्व कर लूँगी। और ये कढ़ाई भी काले हो चुके हैं क्योंकि ये बहुत ही पुराना सा कढ़ाई है, इसलिए मम्मा ने मुझे प्राइम पैन नहीं दिया है, बोला था नहीं वो मैं नहीं दूंगी क्योंकि वो वेज के लिए है और तू नॉन वेज खा रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें बनाया। देखो मेरी पकौड़े रेडी हो चुका है, मेरे इवनिंग स्नैक्स लेकर, और अभी बस चुका है 7:15, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है मैंने क्या क्या बनाया है, ये वाला का रेसिपी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है, और यहाँ पर है मैगी पकौड़ा। आप लोगों ने रेसिपी देख ही लिया होगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये मैंने लेजी बॉन से सीखा है, मैंने उसको देखा था एक साल, हाँ 1.5 साल पहले उसने उसका वीडियोस में ये बना था, तो मेरा भी मन किया मैं ये बनाऊं। और यहाँ पर है नूडल्स की तरह, मैंने नूडल्स की तरह बनाया जैसे नूडल्स बनाते हैं, मैंने मैगी भी उसी तरह बनाया। इसमें अंडा है, टमाटर है, ऑनियन है, सॉस है और बहुत सारी मैगी मसाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं पकौड़ा खाऊंगी एक, ठीक है, देखते हूँ कैसे बनता है। ये रहा, इतनी स्वादिष्ट है ना गाइस, क्या बताऊं, मन कर रहा है पूरा का पूरा ही खा लो, लेकिन मैं पूरा का पूरा खा नहीं सकती क्योंकि डिनर अभी बाकी है गाइस, और इतना ऑयली चीज खाऊंगी तो मैं और भी मोटा हो जाऊंगी। मैं बोलती हूँ आप लोगों ना प्लीज ये ट्राई करो, मैंने सोचा था ना इसके अंदर मैं थोड़ा चिकन लूँ, मगर मुझे फिर बाजार जाना पड़ता, बहुत सारा काम करना पड़ता, इसलिए मैंने अंडा से ही बना लिया। बहुत टेस्टी। बाद में खाऊंगी और एक दो, अब इसके बारे देख सकते हो खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मैंने बहुत अच्छा बनाया, अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए तो मुझे बोलना, मैं दिखा दूंगी कोई और वीडियो में, क्योंकि अगर सबकी रेसिपी दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत 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 लॉन्ग हो जाएगी। क्या बनाया मैंने सच में, बहुत अच्छी, गर्मी लग रही है ना, और थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं डिनर लेके, ओके। डिनर के लिए मैं बनाऊंगी चीजी मैगी, उसके लिए मैंने एक कढ़ाई पे ऑयल लेकर प्याज फ्राई कर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन चिली और रेड चिली पाउडर डालकर वाटर डाल लिया था, उसके अंदर मैगी बॉयल करके मैगी मसाला देकर कैप्सिकम देकर फिर थोड़ा सा वाटर देकर मैंने चीज देकर वो पकाया और हो गया मेरा चीजी मैगी। मैं अब आ चुकी हूं मेरी डिनर लेकर, बहुत रात हो चुकी है और देख लो मैं मेरे नाइट की ड्रेस पहन कर चली आई हूँ, और ये रहा चीजी मैगी, मैंने आपको रेसिपी दिखाया है, तो ये देखो मैंने इसका ऊपर थोड़ा चीज ग्रेट कर दिया है। तो अब खाने की बारी, देखो अभी भी बहुत गर्म है, लोग देख सकते हो धुआं उठ रहा है अभी भी, तो चलो खाते हैं रात का डिनर, बहुत गर्म है।
बहुत ही चीजी चीजी है, बहुत गर्म है, मैं ये कैसे पकड़ू। और मुझे बुखार आ चुका है इसलिए मेरी हालत ऐसी है। आप लोग कुछ माइंड मत कीजिए, बहुत रात हो चुकी है। मैंने सोचा था मैं पीट कर लूं, फिर सोचा एक ही तो बाकी है, चलो कर ही लेता है। थोड़ा सा बारिश में भीगी थी ना इसलिए बुखार आ चुका है, ठंड लग गई है। आप लोग एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, और ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, गर्मा गरम। बहुत अच्छा। तो गाइस मैं ये रखती हूँ, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं मेरी दवाई खाऊंगी थोड़ी देर बाद, ये खाने के बाद। तो आज का वीडियो इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मुझे कमेंट में बताना मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी चैलेंज के ऊपर बनाऊं। इतनी हालत खराब होकर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। आप लोग प्लीज मुझे बहुत सारा बहुत 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 सारा प्यार दीजिए। बस इतना ही आज के लिए, बाय।